हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रामनाथ और मेरे यूट्यूब चैनल में दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप देख सकते हैं ये रेड कलर का बटन आपको दिखाई दे रहा है, आप इस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों आप ये देखिए बेल का आइकन भी दबा दीजिए, जिससे कि दोस्तों हम नोटिफिकेशन मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ही अच्छी जानकारी देने वाला हूं। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप ब्लॉगर पर अकाउंट कैसे बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ब्लॉगर पर अकाउंट बना लेते हैं। तो ब्लॉगर पर दोस्तों अकाउंट बनाने के लिए मैं आपको यहां से बता दूं कि आप यदि आपके पास डेस्कटॉप है, ठीक है, आप मोबाइल से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ब्लॉगर यानी कि दिखाई दे रहा है ब्लॉगर का आइकन, आप इस पर क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। और यदि आपको यहाँ पे ब्लॉगर का ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है तो आप गूगल में सर्च भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ blogger.com। ये देख सकते हैं ये ब्लॉगर का जो वेबसाइट है ओपन हो चुका है। चलिए इसको ओपन करते हैं। अब दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएट यूअर ब्लॉग, ठीक है। तो अपन को नया ब्लॉग बनाना है तो चलिए इस पर आप क्रिएट पर क्लिक करते हैं। इसके बाद दोस्तों यहां से अपना जीमेल अकाउंट पूछ रहा कि आपको किस जीमेल अकाउंट से ब्लॉग बनाना है। तो जैसे कि जे वाला है, इससे तो मेरा दोस्तों पहले से बना है और इससे मैं दोस्तों नहीं बनाना चाहता हूं। मेरा दोस्तों ये जीमेल है, मैं इससे ये ब्लॉग बनाना चाहता हूं, ठीक है। तो मैं इस पर क्लिक करता हूं। थोड़ा लोडिंग लेगा। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर ये डिस्प्ले नेम पूछ रहा है, ओके। तो यहाँ पर आप डिस्प्ले नेम में दोस्तों आप नाम डाल सकते हैं, अपना नाम डाल सकते हैं या फिर आप ब्लॉगर का जो नाम देना चाहते हैं दोस्तों वह नाम आप डाल सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं अपना नाम डाल देता हूँ क्योंकि मैं दोस्तों अपने नाम से ही ब्लॉगर बना रहा हूँ। चलिए दोस्तों, मैंने नाम डाल दिया है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए आप कंटिन्यू है, यहाँ पर क्लिक करना है अपन को ये। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने ये ब्लॉगर पर अकाउंट बना लिया है, ओके। अब यहाँ पर दोस्तों इसमें कुछ टर्म्स कंडीशन दी गई हैं, इसको आप ध्यान से पढ़ लेना। अब दोस्तों हमने ब्लॉगर पर अकाउंट तो बना लिया है, पर अब हमको दोस्तों न्यू ब्लॉग क्रिएट करना है। तो वो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्रिएट न्यू ब्लॉग। तो चलिए दोस्तों इस पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे एक टाइटल देना है, आप कुछ भी टाइटल दे सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर दोस्तों मैं टाइटल अपना नाम ही डाल देता हूँ। ओके, टाइटल के बाद दोस्तों यहाँ पे नाम देना है एड्रेस। तो वह दोस्तों आपको यहाँ पर एड्रेस जरूरी है, आप कैसा एड्रेस देना चाहते हैं, मतलब कि आपका जो वेबसाइट रहेगा ना उसी का दोस्तों एड्रेस रहेगा। जैसे कि एग्जांपल के थ्रू यदि आप देते, यहाँ पर मैं देता हूँ रामनाथ चौधरी। तो दोस्तों ये ब्लॉग कैसे, यानी कि आप सर्च करेंगे तो कैसे स्टार्ट होगा, ramnathchaudhary.blogspot.com, ठीक है। यदि आप देते हैं यहाँ पर हिंदी न्यूज़ तो यह कैसे होगा दोस्तों, hindinews.blog.com। तो चलिए दोस्तों मैं यहाँ पर नाम ही दे देता हूँ अपना। तो आप दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ये बता रहा है। तो मेरा जो ब्लॉग है ये डोमेन नेम दोस्तों ऐसा है, ऐसा मिलेगा अपन को जो ramnathchaudhary.blogspot.com, ठीक है। तो ये दोस्तों ये लगा रहा है क्योंकि ये दोस्तों फ्री वाला है, ओके। तो ये ब्लॉग स्पोर्ट दोस्तों ये नहीं हटेगा, ये लगा रहेगा। तो इसको हटाने के लिए दोस्तों मैंने जो पिछली वीडियो बनाई है डोमेन नेम लिया है तो वह दोस्तों कनेक्ट कर देंगे। तो दोस्तों उसके बाद क्या होगा,
ये ब्लॉग स्पॉट हट जाएगा और उसके बाद दोस्तों जो मैंने डोमेन लिया वो कनेक्ट हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, ये देख सकते हैं ये सिलेक्ट हो गया है। पर दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर ये क्या बता रहा है, सॉरी दिस ब्लॉग एड्रेस इज नॉट अवेलेबल। इसका मतलब ये है दोस्तों कि यह जो एड्रेस मैंने डाला है ये पहले से यानी किसी व्यक्ति ने इसका जो ब्लॉग है वो बना लिया है, इसलिए दोस्तों ये मुझे नहीं मिल पा रहा है। तो चलिए मैं यहाँ से कुछ और डाल लेता हूँ। ठीक है, अब दोस्तों मैं यहाँ से ये मैंने देख सकते हैं आप ये राइट का क्लिक आ गया, क्योंकि दोस्तों मैंने क्या काम किया, रामनाथ चौधरी यहाँ पे डाल लिया जी। तो इस टाइप का यानी कि जो है एड्रेस है किसी ने नहीं डाला है, मतलब किसी ने इस टाइप का एड्रेस डाल के ब्लॉग नहीं क्रिएट किया, इसलिए दोस्तों ये यहाँ पे राइट का निशान आ गया है। अब दोस्तों यहाँ पर थीम्स है, तो थीम्स दोस्तों यहाँ पे कुछ भी सिलेक्ट कर लीजिए। उसके दोस्तों वीडियो के बाद मैं आपको बताऊँगा कि आपको कौन सा थीम चाहिए दोस्तों, आपको पेड वाला या फ्री में मैं सब बता दूँगा। तो अभी के लिए दोस्तों आप कोई सा भी थीम्स यहाँ पर डाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं यहां से ये वाला थीम्स डाल देता हूं। यहां पर आप देख सकते हैं नीचे क्रिएट ब्लॉग, तो यहां पर अपन को क्लिक करना है। चलिए क्रिएट ब्लॉग, अब दोस्तों ये क्या बता रहा है, फाइंड ए डोमेन नेम फॉर यूवर ब्लॉग एंड कनेक्ट इस इंस्टॉल। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों अपन को क्या करना है, सर्च, इसके बाद थोड़ा सा लोडिंग लेगा। तो यहाँ पर ये क्या बता रहा है, ये देख सकते हैं आप, रामनाथ चौधरी .com है। तो ये दोस्तों मैंने ले लिया, इसलिए दोस्तों यहाँ पे बाय का ऑप्शन नहीं आ रहा। तो ये दोस्तों ये डोमेन नेम ये बताता है कि आप इनको ख़रीद सकते हैं दोस्तों, पर मैंने पहले से ख़रीद के रखा हुआ है, तो वह है दोस्तों मैं कनेक्ट करूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने ब्लॉग पर अकाउंट बना लिया है और ब्लॉग भी दोस्तों हमने क्रिएट कर लिया है। ओके, अब दोस्तों ये आप यहाँ से पोस्ट डाल सकते हैं, ये देखिए आप यहाँ से पोस्ट, यहाँ से जो स्टेट है आपके जो भी व्यू वगैरह आएंगे आप वो चेक कर सकते हैं, यहाँ से कोई कमेंट करेगा आपकी पोस्ट पे। ठीक है, यहाँ से दोस्तों ये महत्वपूर्ण है, आप पैसे कमा सकते हैं, वो दोस्तों मैं बाद में बताऊँगा। आप दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ से पेज, आपको पेज कैसे क्रिएट करना है वो भी मैं आपको बाद में बताऊँगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों लेआउट है, थीम्स है, सेटिंग है और ये बहुत सारे ऑप्शन हैं। ओके, तो आज की वीडियो में हमने सीखा कि हमने ब्लॉग पर अकाउंट बना लिया है और हमने ब्लॉग भी क्रिएट कर लिया है। ओके, इतना दोस्तों हो गया। अब आप ब्लॉग भी देख लेते हैं कि ब्लॉग किस टाइप का दिखता है। चलिए यहाँ से आप ऑप्शन दिखाई दे रहा है ना आपको, ये देखिए व्यू, तो यहाँ से देखते हैं अपन। तो आप देख सकते हैं ये दोस्तों मेरा ब्लॉग है रामनाथ चौधरी, यहाँ पर कोई पोस्ट नहीं है, ये होम का ऑप्शन है। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों ये मुझे थीम्स यानी कि फ्री वाला थीम्स है, अभी दोस्तों इसी का अपन यूज करेंगे, बाद में हम आपको बहुत अच्छी थीम्स बता देंगे। और आप दोस्त देख सकते हैं यहाँ पर इसका जो https रामनाथ चौधरी जी .blogspot.com, तो ये ब्लॉग स्पॉट मतलब ये फ्री वाला है, इसको हम पेड से कनेक्ट करेंगे, तो इसका वीडियो दोस्तों हम अलग बनाएंगे। ओके, और दोस्तों यहाँ पर सेटिंग में भी आपको कुछ बता देते हैं, सेटिंग में भी आप देख सकते हैं यहाँ पे रामनाथ चौधरी जी .blogspot.com। ठीक है, तो ये वाला जो फ्री वाला है, जब हम दोस्तों पेड वाला कनेक्ट करेंगे तो ये वाला दोस्तों यानी कि सर्चिंग में नहीं आएगा, हमारा पेड वाला सर्चिंग में आएगा, ये वाला दोस्तों फिर ये छिप जाएगा। ठीक है, और हमारा मेन वाला पेड वाला डोमेन नेम आ जाएगा।
वो हम दोस्तों आपको अगली वीडियो में बताएंगे, इस वीडियो में नहीं बता पा रहे हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि हमने यहाँ पर आपको बता दिया है कि आप ब्लॉग पर अकाउंट कैसे बनाते हैं और ब्लॉग कैसे क्रिएट करते हैं। अभी दोस्तों इसमें हमने कुछ नहीं किया है, ठीक है। यदि आपको कुछ भी नहीं पता है तो आप इतना कर लीजिए। इतना करने के बाद दोस्तों अब मैं आपसे अगली वीडियो में बहुत कुछ जानकारियाँ वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कराऊंगा। तो दोस्तों अगली वीडियो में बताऊंगा कि आप जो मैंने गोडैडी से डोमेन नेम लिया है वह यानी कि ब्लॉग में कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, अब मैं आपसे अगली वीडियो मुलाकात करता हूँ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।